इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। से कॉमिक क्रिकेट टीम जो कि किसी ना किसी नाकामी का शिकार होती है, हमें मुसलसल दिखाई देती है। गुज़िश्ता दो सालों से पाकिस्तानी टीम ने कोई एक टेस्ट मैच भी अपने नाम नहीं किया है। खान साहब, आपका ये दौर है और आप लेजेंड माने जाते हैं क्रिकेट के हवाले से, लेकिन उस दौर में भी हम क्रिकेट में कोई रद्दो बदल नहीं देख रहे। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट मैच में 176 रन और एक इनिंग से शिकस्त दे दी। कीवी टीम ने सीरीज के पहले मैच में भी पाकिस्तान को 101 रन से हराया था, लेकिन कौमी टीम गुज़िश्ता दो सालों में पाकिस्तान से एक भी टेस्ट जो है वो मैच नहीं जीत सकी है। लेकिन सवाल यहां पर ये पैदा होता है कि मुसलसल ये जो हारने की क्रवायत हम लोग कायम कर रहे हैं, परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, अपनी नाकामी का मलबा कभी हम चीफ सिलेक्टर पर डालते हैं, कभी हेड कोच पर डालते हैं, कभी ये सुनने को मिलता है कि कप्तान एक ऐसा अपॉइंट कर दिया गया है कि टीम मिलजुल कर खेलने को राजी नहीं है, तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क यहां पर लग जाते हैं। बहरहाल, वजह क्या है कि कौमी टीम जो है वो पै दर पै मुसलसल नाकामियों का सामना कर रही है और इस किस्म की परफॉर्मेंस हमारे सामने आ रही है। ब्रिगेडियर साहब, आपसे आगाज करूंगी, बताएगा इसके लिए मुझे शायद कोई स्पोर्ट्स एक्सपर्ट लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा शोभा है जिसमें बच्चे बच्चे को दिलचस्पी और हर बच्चा अपने आप में एक तजियाकार होता है, तो वो वजह कौन सी है, वो कौन सी वजूहत है कि हमारी टीम मुसलसल हारती चली जा रही है। वजह तो आपने खुद ही बता दी ना, वजह ये है कि जब आप डक पे आउट होंगे और रिपीटेडली चारों टेस्ट मैचेस में डक पे आउट होंगे, उसके बाद आपका ना ओपनिंग स्टैंड परफॉर्म करेगा और जब आपके सीनियर बैट्समैन, सीजन बैट्समैन अजहर अली साहब जैसे आ जाते हैं तो वो भी एक आध गेम खेलेंगे और आके आपका जो आजकल जो आपका वो पूरे का पूरा प्रेशर टूटता है वो टूटता है रिजवान पे या अपना कभी फहीम अशरफ खेल गया या कोई खेल गया इंसिडेंटली। लेकिन देखिए, हर एक की एक स्पेशलिटी होती है। अगर आप वो स्पेशल प्लेयर नहीं चुनेंगे, अब शान मसूद साहब ने टोटल में रखा था कोई, उन्होंने 25 टेस्ट खेले हैं जिसमें 47 इनिंग्स हैं और 1318 रन उन्होंने बनाए। आपको पता है कि ये हमारी टीम ज्यादातर खेलती नहीं है शारजा में या पाकिस्तान की विकेटों पे, पाकिस्तान की विकेटों पे तो बहुत कम मैच हुए। यहाँ आपने खेला अपने जिम्बाब्वे के साथ, उससे आप जीत गए। ये आप अपना शारजा की विकेटें रही, डेड विकेटें हमारी टर्निंग विकेट्स हैं। अब न्यूजीलैंड के अंदर जब आप जाते हैं तो वहां पे आपने देखा कि ज्यादातर इनके जो प्लेयर्स आउट हो रहे हैं वो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप जाके खेलते हैं और स्लिप में या अपना विकेट कीपर को कैच दे देते हैं और उसको वो बाकायदा रिपीट करते हैं। या ये नहीं कि उससे वो कोई कॉशन ले कि आपने बाहर जाती हुई गेंद को टच नहीं करना, वो 2 किलोमीटर दूर जा रही होगी उसको बल्ला मार देंगे, यार अले फट मैं आपको कैचिंग प्रैक्टिस कराने आया हूँ। तो देखिये, टू फाइट अगेंस्ट दी बेस्ट यू हैव टू सिलेक्ट दी बेस्ट। अगर आप बेस्ट नहीं सिलेक्ट करेंगे और अगर आप बेस्ट सिलेक्ट भी करते हैं अपनी तरफ से, वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर टीम किस तरह आगे चलेगी। इसमें ये टीम जब आप कहते हैं तो एक यूनिट होती है जिसमें 11 प्लेयर तो होते हैं जो खेल रहे होते हैं, लेकिन इसमें आप ना तो हेड कोच को निकाल सकते हैं, ना आप ट्रेनर को निकाल सकते हैं, ना बॉलिंग कोच को निकाल सकते हैं। तो ये फेलियर है पूरे के पूरे सिस्टम की, और सिस्टम के फेलियर की वजूहत जाएंगे तो बहुत बड़ा वजह है। मेरे ख्याल में सबसे बड़ी वजह यह है कि आपके यहाँ मैचेस इतने नहीं होते, और अगर मैचेस होते हैं तो डल विकेट्स पे होते हैं। फिर आके इमरान खान साहब ने एक और काम किया कि उन्होंने डिपार्टमेंटल क्रिकेट ही खत्म कर दी। अब जब आप डिपार्टमेंटल क्रिकेट ही खत्म कर देंगे तो उसके अंदर कितनी टीमें आएंगी, जब पहले डिपार्टमेंटल अपना टीमें होती थी उसमें आप देखिए कि कहाँ कहाँ से लोग निकल के कहाँ कहाँ से आए, किस तरह खेल के आए, फिर उन्होंने आपको अपना ग्रूम किया। हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा जो रीजन मुझे नजर आता है कि जब भी आप कोई मैच हारते हैं, आप उस मैच हारने के बाद कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के सुन लें आप सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें वो कप्तान का एक फिक्रा होता है कि जी हमने इस टेस्ट मैच से या इस वनडे से बहुत सीखा है और आइंदा हम अपनी गलतियों के ऊपर इम्प्रूव करेंगे। तो गेम है। अब अगली दफा वही गलतियां जब आप करें, इसका मतलब है कि आपका बैकग्राउंड सिस्टम भी, ऑन द फील्ड सिस्टम भी, और जो कुछ इट इज गोइंग टू अ फेलियर, और जब ये फेलियर की तरफ जाएगी टीम तो फिर कभी मैच जीत नहीं सकेगी। लेकिन फिर भी ये कहूंगा कि पाकिस्तान टीम का रिकॉर्ड। चलिए, एक दिलचस्प जुमला और एक अहम नुक्ता जो मैंने आपके तबसरे से निकाला वो ये कि हमारे मुल्क में एक तो ये क्रिकेट मैचेस बहुत कम होते हैं और दूसरा ये कि हमने इस मैच से बहुत कुछ सीखा हारने के बाद। मतलब ये कि क्या प्रैक्टिस के लिए उतारे जाते हैं ग्राउंड में? बरेलवी साहब, आपकी तरफ आऊंगी, क्या यही रीजन है हारने के, इसके अलावा भी आपके नजदीक है?
मैदान नहीं है और जरूरी नहीं है कि आदमी हर बात पे बोले, लेकिन एक आम आदमी की हैसियत से मैं ये जानता हूँ कि जनाब ये लॉर्डों का गेम है, ये वेस्ट का गेम होता था, ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड का। ये अच्छी बात है कि जो पहला एरा था हमारा, जब हमारे फजल महमूद इम्तियाज़ आए, वो एक नुमाया करा, फिर 90s तक भी ठीक थे, हमारी एक टीमें होती थी, आज भी हम सबको नाम याद है। एक तो मुझे ये चारों मिलकर कम अज़ कम इन 12 खिलाड़ियों में से 6 के नाम ही बता दें कि खिलाड़ी हैं कौन। किसी ने 8 मैच खेले, किसी ने 12 मैच खेले, और ये जो बेशतर खिलाड़ी हैं, बड़ा जुल्म है कि और तो और जो इस वक्त सबसे बड़े कमेंटेटर बने हुए हैं, सबसे कड़े खिलाड़ी बने हुए हैं, नाम भी नहीं लेना चाहता, वरना ये बुनियाद डाली वो वसीम अकरम ने कि ये बांग्लादेश तक तो हार गए थे, बेशतर तो इसमें जुआरी हैं, इन लोगों को तो लटका देना चाहिए था सबसे पहले, और आज उनको फिर टीम में लिया जाता है। बेशतर खिलाड़ी इसमें और ये मैचों में, मुझे तो शक ही है कि जेन्युइन खेलते ही नहीं है, अव्वल तो जेन्युइन खिलाड़ी भी नहीं है। किसी ने 12 मैच, किसी ने 16 मैच, आपने हीरो बना दिया, फिर बिस्किस्मत आपका जो मीडिया है उसकी एक इसकी जरूरत है ये स्पोर्ट की, और उसकी इन्हें हीरो बनाते हैं। क्रिकेट बोर्ड इसलिए पैसा खर्च करता है कि ज्यादा कम ज्यादा पैसा खर्च करोगे ज्यादा खाओगे। एक एक खिलाड़ी को जिसने 12 मैच खेले हैं 2-2 करोड़, 3-3 करोड़ रुपए, जिस मुल्क में 2 करोड़ रुपए सिर्फ इस साल कोरोना की वजह से मजीद बेरोजगार हुए हैं, मजीद गरीब हुए हैं, 9 करोड़ लोग इस वक्त पाकिस्तान में गुरबत से नीचे की लकीर गुजार रहे हैं। उस वक्त ये क्रिकेट की अयाशी कि जिसमें आप करोड़ों रुपए इनको दे रहे हैं दौरों पर, और इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक को आप 10-10 लाख रुपए दे रहे हैं। इस वक्त तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान को ये मैच वैच हो रहे हैं, पाकिस्तान को इस वक्त क्रिकेट की जरूरत नहीं है, क्रिकेट जैसे अय्याश तबा गेम को उनको तो तवज्जो देते नहीं है, बेचारा फुटबॉल जो लियारी का और हमारे कॉमन लोगों का क्रिकेट खेल है। दोस्तों ये वीडियो होता है यहाँ पर खत्म, आप ये वीडियो यहाँ से छोड़कर जा सकते हैं। आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया किस तरीके से पाकिस्तान के आर्मी के जो लोग हैं, मतलब जो आर्मी के घटिया लोग हैं जो इंडिया से 3-3 जंगें हार चुके हैं, उनको क्रिकेट एक्सपर्ट बनाकर उनसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो अभी न्यूजीलैंड में जो इनके सोड़े लगे हैं उस बारे में बातें हो रही हैं। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों पाकिस्तान के हालात क्या हैं यहाँ पर। मतलब नॉन क्रिकेटर जो गली क्रिकेट में भी शायद नाली से गेंद उठाता रहा हो, वो क्रिकेट का एक्सपर्ट बना है और क्रिकेट की एडवाइजरी कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, आपको पता होगा न्यूजीलैंड का टफ टूर होता है, इंडिया के लिए भी होता है, जो एशियन कंट्री होती है उनके लिए ऑब्वियसली न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ये टफ टूर होते हैं। और पाकिस्तान की टीम के हालात भी कुछ ऐसे हैं कई सालों से कि वो ज़्यादातर मैचेस जो है जिम्बाब्वे, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज़ जैसी टीमों के खिलाफ जीतती आ रही है, तो एकदम से अगर आप उन्हें न्यूजीलैंड से बोलेंगे कि जीत कर आओ तो वो जीत नहीं सकती है। तो वही हाल यहाँ पर हुआ है। और पाकिस्तान के जो आपने देखा इनको, ये जो मिस्टर गजन इनका कुछ ऐसा कुछ नाम है, गजनफर ऐसा कुछ नाम है, इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है आप समझ सकते हैं। अब आर्मी का बंदा भी क्रिकेट एक्सपर्ट बना बैठा है पाकिस्तान जैसी कंट्री में, तो आप समझ सकते हैं एक कंट्री का क्या हाल होगा। और ये इतना मतलब ऐसा एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पर, ऐसी पिचेस बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, जैसे कि मतलब ये बहुत बड़ा धुरंधर क्रिकेटर हो। मतलब ठीक है, इंडिया में भी ऐसे हैं एक्सपर्ट गली गली में मिल जाएंगे, आपको भी पता है क्रिकेट इतना फेमस है इंडिया में, ऑब्वियसली क्रिकेट की नॉलेज सबको है। लेकिन अब अगर आप उसको न्यूज़ चैनल में बिठा देंगे भाई, किसी भी मतलब गली से उठाकर किसी भी बंदे को न्यूज़ चैनल में बिठा देंगे और बोलेंगे भैया क्रिकेट के एक्सपर्ट बने हो आप, जवाब दो, तो डेफिनेटली एक हंसी का पात्र बनने जैसी बात होगी। और पाकिस्तानी मीडिया भी इन आर्मी वालों को जोकर बनाकर इनको यहाँ पर जितने भी एक्सपर्ट बैठे हैं 1, 2, 3, 4, 5 और न्यूज़ पर्सन मिलाकर 6, ये 6 के 6 ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि मान लो ये एक बकार का बाप हो, एक अफरीदी का बाप हो, एक ये मिसबाह-उल-हक का बाप हो, एक ये शोएब मलिक का बाप हो। मतलब आप समझ सकते हैं इनको सुनकर, ऐसी बकलोली केवल पाकिस्तानी मीडिया में ही हो सकती है कि आर्मी का बंदा अगर क्रिकेट एक्सपर्ट, इनको मतलब पहले ही बोल देना चाहिए कि मैं एक नॉन क्रिकेट प्रोफाइल रखता हूँ, मतलब मैं क्रिकेट एक्सपर्ट नहीं हूँ तो मैं इस पर कोई अपनी राय नहीं दे सकता हूँ। लेकिन ये बिल्कुल मतलब सीना चौड़ा करके बाकायदा स्विमिंग ट्रैक है, ये है, वो है, यहाँ पर पिचेस ऐसी होती हैं, स्लो होती हैं, यहाँ पर ये दुबई में खेलते हैं, जिम्बाब्वे से ज़्यादा खेलते हैं। हालाँकि ये बातें तो सच है, मतलब जो इन्होंने बातें बोली हैं उसमें कोई गलत नहीं बोला, ये भी एक सच्चाई है। क्योंकि मेजर साहब जो आर्मी के हैं, इन्होंने लगता है जब जंगें होती थी तो उन्होंने वहाँ पर क्रिकेट ही खेला है। ये हालांकि आपको पता है कि
ये भारत के खिलाफ काफ़ी उल्टा सीधा जहर उगलते हैं, खासकर हिंदुओं के खिलाफ उगलते हैं। गौमूत्र ये वो इनका काफ़ी शौक है, इन्हें दुबई उबई के बारे में काफ़ी बातें पता हैं, तो उन्होंने भी वहाँ पर जाकर ऊँट मूत्र बहुत पिया है, तो गौमूत्र वगैरह के बारे में भी ये काफ़ी बोलते हैं। इनसे बोलना चाहेंगे कि गौमूत्र पीने वाले कंट्री ने, मतलब इनके हिसाब से जैसे ये बोलते हैं कि गौमूत्र पीते हैं ये वो, दो दो वैक्सीन बना ली हैं, तुम भी बताओ ऊँट मूत्र पीने वालों ने कितनी वैक्सीन बनाई हैं, इसका भी जवाब इनसे लेंगे कुछ दिनों बाद, क्योंकि पता है आपको ये इंडिया के खिलाफ काफ़ी उल्टा सीधा बोलने में काफ़ी ज़्यादा माहिर है। तो दोस्तों इस वीडियो में ज़्यादा कुछ बोलने को है नहीं, एक कॉमेडी टाइप का वीडियो है, आपने सुन लिया, इसमें ज़्यादा कुछ बोलने को है नहीं, बस दिखाना चाह रहा था कि पाकिस्तान के जो आर्मी पर्सन है वो क्रिकेट एक्सपर्ट ही बन जाते हैं और क्रिकेट पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से बातें करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर करते हैं खत्म, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।